Hi guys, welcome back to my channel. Today we are here for the IELTS exam dates for April 2024. 2024 ko April ki konsi exam date will be going will going to best for you or which will be uh, difficult for you. Today we will discuss about that dates. So firstly we will discuss uh, what are the dates and which are the dates of IELTS exam in April month 2024 our first date is on 6th april and uh, on the 6th april the uh, exam of academic and can gt candidates both student both candidates and uh, this exam will going to be held on saturday and our next exam is on 13th april and for the academic candidates only and this exam will be going to held on saturday also and uh, the another one is on thir 18th april for academic candidates only and this exam will be on thursday and uh, the last exam of the april month is on 27th april and this is for both the candidates of academic and gt and on saturday now we will discuss which exam date will be best for you which you have to uh, book the exam and uh, <clears throat> according to your preparation and uh, which exam dates

Uh, last one year and they can whatsapp me on the given below number you will get the um, uh, all the readings speaking or um, writing uh, or, or listening level all the uh, modules material uh, <clears throat> of last one year within only 499 rupees and um, i will also provide you the mukund speaking jan to april pdf um With the, the with this material, and uh, if anyone have any other query related to the any module, uh they can um, comment me on the <coughs> comment box, and I will definitely uh, help you in the in the any module or any problem uh, related to IELTS. Okay, let's start with the first date. that is 6th april this is for as i have already told you for the academic and gt candidates both candidates and um, the level of this exam will be going to easy to moderate level so ye 6th april ka jo exam hone ja raha hai ye easy to moderate level hai nika jinko preparation प्रेपरेशन तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्रेपरेशन तो आपने हंड्रेड एंड वन परसेंट करनी ही है प्रेपरेशन में आपके कोई भी कोई भी मतलब कमी नहीं आनी चाहिए बट ये वाली जो डेट है वो आप विदाउट एनी टेंशन है यो फिल कर सकते हो बिकॉज इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहेगा एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर एग्जाम्स सो इसमें हम ओवरव्यू ले, ले लेते हैं कि लिसनिंग का जो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगी एज आ अवॉर्ड आई ऑलवेज़ टेल यू दैट है यू नीड टू

अगर हम बात करते हैं थर्टीन थर्टीनथ अप्रैल की तो ये एकेडमिक ओनली कैंडिडेट्स का इस, इसका लेवल है जो मॉडरेट रहने वाला है गाइस इसको आप मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आपकी अगर अच्छी प्रपरेशन है थर्टीन एंड एटीन दोनों ही एकेडमिक के कैंडेट एकेडेमिक कैंडिडेट्स के लिए है अगर ये आप फिल करने की सोच रहे हैं ये वाले एग्ज़ाम तो आपकी अगर बहुत ही प्रपरेशन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट है आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है आपकी प्रशासन जो उसमें आ, आपको, पूरी, आ, आपको पूरी आपको पूरी आपको मतलब कोई डाउट नहीं है अपनी प्रेपरेशन में तभी आप ये एग्जाम फिल करना अदरवाइज में जिनको अपनी प्रेपरेशन पर पूरा फुल अभी विश्वास नहीं है कि वो आ, उनकी प्रेपरेशन है जो फुल है तो उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी ये वाला एग्जाम फिल करने के लिए क्योंकि इसका ओवरऑल लेवल है जो मॉडरेट लेवल ही रहने वाला है बाकी जो जितने भी ये अप्रैल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनकी पूरी डिटेल्ड प्रोडिक्शन मैं कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं डिटेल्ड प्रोडिक्शन डालती हूँ तो उसमें से आपको ऑलमोस्ट uh, मेरी प्रोडिक्शन जो ऑलमोस्ट uh, है जो नाइन्टी एट नाइन्टी पॉइंट नाइन जो बिल्कुल uh, सही होती है आप मेरे uh, चैनल पर जाकर देख सकते हो कि जितनी भी प्रोडिक्शंस वीडियोज़ में डालती हूँ वो ऑलमोस्ट है जो करेक्ट ही होती हैं और जो रियल एग्जाम मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ऑलमोस्ट इन एवरी एग्ज़ाम जो कोई किसी ना किसी मड्यूल में कोई ना कोई टास्क का जो उसमें से रिपीट होता ही होता है सो ये रियल एग्ज़ाम मटीरियल है जो आपका वो ये भी बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है जिन बच्चों को प्रप्रेशन करनी है प्रपरेशन जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड uh, आपको इतना इनफ मटीरियल मिल जाता है कि आप इस आपको किसी और बुक से जो प्रप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती 18 का भी जो 18 अप्रैल का भी जो एग्ज़ाम है ये भी मॉडरेट लेवल ही रहेगा एंड uh, जो आपका ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल को एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर एकेडमिक एंड जीटी बोथ कैंडिडेट्स का है इसमें जो आपका ओवरऑल लेवल रहने वाला है वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहने वाला है मैं बल्कि यही कहूँगी कि ईजी लेवल ही इसका रहने वाला है लिस्निंग है जो वो भी इजी लेवल की आएगी रीडिंग इजी टू मॉडरेट लेवल रहने के चांसेस हैं एंड राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहने वाली है इसमें टॉपिक्स जो आपको आ सकते हैं वो आप एग्री और डिसएग्री एग्री ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड एडवाटेज डिसएडवेंटेज इन इन ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है कंसनट्रेट इन पर ज़्यादा करना है पर ये नहीं कहूँगी कि बाकी वाले टॉपिक्स से जो आपने प्रिपेयर नहीं करने प्रेपरेशन आपने सभी की करनी है बट इन पर आपने ज़्यादा कंसनट्रेट करना है इनके आने के ज़्यादा चांसेस है बाकी मैं आपको एज आई है टोल्ड यू कि मैं आपको एग्ज़ाम uh, के कुछ दिन पहले जो डिटेल्ड प्रोडिक्शन वीडियो है जो आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से बताऊँगी कि कौन कौन सी टाइप के जो ऐसे टाइप्स आपको आ सकते हैं और कौन से मॉड्यूल में कैसी जो आ, कैसा एग्ज़ाम आ सकता है सो so, ये आपने उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं अपने चैनल पे लिसनिंग की डेली वीडियो जो प्रोवाइड करती हूँ जो डेली लिसनिंग की प्रोडिक्शन वी वीडियो होती हैं वो अगर आप आपके पास इनफ टाइम है अभी कि आप बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं तो अगर आप डेली बेसिस पे मेरे साथ लिसनिंग की जो प्रैक्टिस करते हो तो आपको लिसनिंग की तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज जो इम्पोर्टेंट सेक्शनस uh, होते हैं लिसनिंग के उनको कलेक्ट uh, करके ही जो उनको मर्ज करके ही मैंने यो, वो जो वो लिसनिंग की वीडियोस जो मैं प्रिपेयर करती हूँ तो आप डेली बेसिस पे मेरे साथ uh, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो लिसनिंग पे आपके आराम से बिल्कुल आराम से जो एट प्लस बैंड जो आप गेट कर सकते हो तो एंड uh, हम एग्ज़ाम uh, की बात करें तो यही मैं आपको ही रिकमेंड करूंगी कि आप ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल एंड सिक्स अप्रैल ये वाले एग्जाम्स है जो आप आराम से फिल कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हंड्रेड एंड वन परसेंट नहीं है तो आप ये फ़िल कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हंड्रेड एंड वन परसेंट है तो थर्टीन अप्रैल एंड एटीन अप्रैल ये वाले एग्जाम भी आप बुक कर सकते हो एंड अगर किसी स्टूडेंट्स को एनी कोई भी अदर क्वेरी हो किसी भी मॉड्यूल में कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे पूछ सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया है गया है उसमें भी आप मुझे आ, पूछ सकते हैं एंड ओके डिटेल्ड वीडियो के साथ हम uh, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू गाइज़